इसमें देखो एक ही पॉइंट है, क्या करा बिंदु 15 8 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करना, बाकी सारे क्वेश्चन में दो दो गो है, देखो ये और एक ये दो पॉइंट है ना, तो हम दो गो क्वेश्चन बनाने बना के बताने वाले, बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद से बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर वन में क्या करा, बिंदु 15 8 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करना है, ठीक है। तो 15 और 8 ये दो नंबर है आपके पास, तो चलिए हम इस पहला नंबर को x मान लेते हैं और दूसरा को y मान लेते हैं। इसको बनाने के लिए मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, रूट के अंदर में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए एक्स आपका कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, वाई कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है। 15 का स्क्वायर करना है, 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 22, 225, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। अब आपको ये दोनों को क्या करना है, ऐड करना, जोड़ना है, 5 4 9 289 रूट में 289 हुआ, रूट तोड़िए, 289 का रूट तोड़ेंगे तो हो जाएगा 17 यानी कि 17, तो आपका मूल बिंदु से दूरी निकल गया 17, हाँ बन गया आंसर 17 ही, यही तो है। कौन ये यहाँ, अरे यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है ना दो पॉइंट 15 और 8 का, ठीक है, ए रहने दो ना, क्या कोई तकलीफ है, नहीं रहने दो, चलो बाद में देखते हैं। बिंदु 15 8 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करने के लिए आपको कह रहा है, तो 15 और 8, ठीक है, 15 को हम x मान लेते हैं और 8 को y मान लेते हैं, बात समझ आ रहा है, 15 को x और 8 को y, क्या बतला, 15 को x और 8 को y, और इसका सूत्र होता है, ये जो है फॉर्मूला है बनाने वाला, सूत्र होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स हम 15 माने थे तो 15 का स्क्वायर, और वाई हम 8 माने थे तो 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 64, दोनों को जोड़ देंगे तो 289 और 289 को रूट तोड़ दिए तो 17, जी सर रूट तोड़े नहीं आता 289 का, 289 का रूट तोड़ना है तो इधर से नंबर का जोड़ा लगाइए, 1 से लगाइए, 1 एकम 1, ठीक है, 1 1 2 इधर वाला जुड़ गया, अब 7 से लगा दीजिए, 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 2 14 4 18, 7 मरतबे लगाए तो यहाँ 7 पूरा पूरा कट गया, 17 मरतबे लगा यानी कि 17 हो गया, बात समझ में आया। चलिए अब ये तो फर्स्ट वाला था बन गया, अब ये सेकेंड जो है मूल बिंदु से दूरी वाला, तो ये सेकेंड नंबर वाला कैसे बनेगा इसको, इसमें अगर दो पॉइंट हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर O 0 0 है एंड P आपका -3 एंड 4 है, ठीक है, तो OP ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इसमें फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, सो ध्यान से देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर ध्यान से आप समझेंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं, ये हो गया X और ये हो गया Y, ठीक है, तो ये भी तो एक्स से वाई होगा, लेकिन थोड़ा सा नाम हम चेंज कर देते हैं, इसको एक्स वन और इसको वाई वन कर देते हैं, इसको एक्स टू और वाई टू, बात समझ में आया, यस सर, दो गो है इसलिए एक्स वन वाई वन एक्स मूला का इस्तेमाल करेंगे, सो देखिए, ठीक है, एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, और प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ ध्यान दीजिए, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, एक्स टू आपका एक्स टू कितना है माइनस थ्री और माइनस एक्स वन यानी कि जीरो, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू कितना है आपका माइनस चार और माइनस वाई वन कितना है जीरो, इसका होल स्क्वायर, समझ में आ रहा बात, रूट में है, चलिए इसको इधर नोट कर ले, माइनस तीन है और माइनस जीरो है, तो तीन में से जीरो घटेगा तो क्या हो जाएगा, तीन ही बचेगा ना, तीन का स्क्वायर अब प्लस माइनस चार में से जीरो घटाइएगा तो चार इसका स्क्वायर, ठीक है, अब चलिए तीन का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा नौ प्लस चार का स्क्वायर करेंगे तो सोलह
चलिए अब इसको जोड़ दीजिए, 16 और 9 25 25 रूट में। अब जब रूट तोड़ेंगे 25 का तो कितना होगा? 5 5। अच्छा 25 हो गया। बस बंद रहा। अब बाकी इसमें भी देखो दो दो पॉइंट है, तो ये दोनों सवाल जो है इसी फॉर्म पे बनेगा, इसी फॉर्मूला पे बनेगा। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो सारा क्वेश्चन आप इसी पर बना लीजिएगा, बन जाएगा ना? कोई दिक्कत? ठीक है, तो कल आपको ये चारों क्वेश्चन खुद से बना के प्रैक्टिस करके लेके आना है। ये आप लोग का होमवर्क।